बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन के सपनों पर पानी फेर दिया है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर किन वजहों से महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। महागठबंधन की हार का पहला कारण, महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण सीट बंटवारा ही रहा। जब आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीट दिया था, तभी बिहार की राजनीति समझने वालों ने इस पर सवाल खड़ा किया था, क्योंकि 70 सीटों पर कांग्रेस का ना तो कोई संगठन था और ना ही कोई दमदार कैंडिडेट। ऐसे में इन 70 सीटों पर चुनाव शुरू होने से पहले ही महागठबंधन एनडीए से पीछे हट गया था। जब नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि इन 70 सीटों पर कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई और तेजस्वी यादव का ख्वाब चूर चूर हो गया। महागठबंधन की हार का दूसरा कारण, तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव की गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की है। दरअसल लालू यादव की राजनीति की वजह से धीरे धीरे गैर यादव ओबीसी वोटर दूर होते चले गए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का उभार लालू प्रसाद के इसी राजनीति का परिणाम है, लेकिन इस गलती को सुधारने की तेजस्वी यादव ने कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए। अगर वो ऐसा कर पाते तो शायद तेजस्वी के एक अणे मार्ग जाने के रास्ते की बाधाएं खत्म हो जाती। महागठबंधन हार का तीसरा कारण, तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान बाबू साहब का बयान देकर जातिवाद राजनीति को भड़काने की कोशिश की। इस बयान की वजह से सर्वण समाज ने आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ मतदान किया था। इसका नुकसान दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में महागठबंधन के उम्मीदवारों को उठाना पड़ा। अगर तेजस्वी ये बयान नहीं देते तो महागठबंधन का वोट शेयर थोड़ा और बढ़ सकता था। महागठबंधन की हार का चौथा कारण, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता शराबबंदी का विरोध कर रहे थे। इससे महिला मतदाताओं के बीच ये संकेत गया कि महागठबंधन की सरकार आने पर शराबबंदी खत्म हो सकती है। यही वजह है कि महिलाओं ने चुपचाप एनडीए के पक्ष में ज्यादा मतदान किया। महागठबंधन की हार का पांचवा कारण, नीतीश कुमार के प्रति जनता में गुस्सा तो था, लेकिन जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ओर से मोर्चा संभाला तो हवा का रुख बदलना शुरू हुआ। पीएम मोदी ने करीब एक दर्जन सभाएं की, कई रैलियों में वो नीतीश कुमार के साथ भी नजर आए। पीएम मोदी ने लगातार नीतीश की तारीफ कर जनता का गुस्सा कम कर दिया। इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है का नारा बिहार में एक बार फिर से सही साबित हुआ। महागठबंधन की हार का छठा कारण, बिहार में मुस्लिम मतदाता मुख्य रूप से राजद के साथ जुड़ा रहा है और यही कारण है कि राजद का माई समीकरण निर्णायक माना जाता रहा है। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं, जो हार जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस बार यही वोटर अलग अलग हिस्सों में बंट गए। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। इस बार मुस्लिम मतदाताओं के सामने कई तरह के विकल्प थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। इससे राजद और कांग्रेस को नुकसान हुआ और इन्हीं सीटों ने महागठबंधन की जीत में रोड़ा अटका दिया। चुनाव में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार के चुनाव में ये साबित कर दिया कि आरजेडी का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।